नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 11 दिसंबर 2018 है और आज से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और फैक्ट बन सकते हैं उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं कि उर्जित पटेल आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर थे। सही उत्तर है कि उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। अब यहाँ पे थे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, अब वो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। आपको बता दो कि नोटबंदी के समय भी उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे और हाल में उन्होंने कल रात को इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि सरकार के साथ कुछ आंतरिक विवाद के कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, पर उन्होंने कहा है कि मेरे पर्सनल कारणों की वजह से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। यानी कि अब उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं, वो आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा 23वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन 23वें गवर्नर थे। उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल उन्होंने ज्वाइनिंग कब की थी? 5 सितंबर 2016 को उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, 5 सितंबर 2016। तो इसके अनुसार से 5 सितंबर 2019 को उनका रिटायरमेंट होना था, पर उसके पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहां से कुछ प्रश्न बनता है, जैसे कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे। इसके अलावा बात हो रही है जब आरबीआई की, तो इनके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसके अलावा आरबीआई के बारे में क्या पूछा जाता है? आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आरबीआई के हेडक्वार्टर है कहाँ? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन से राज्य जिन्होंने 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि इसके पहले किसी भी राज्य में एक ही राज्य में 4 हवाई अड्डे नहीं है। तो सही उत्तर है हाल ही में केरल जो है एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इनका श्रेय जाता है किसे? केरल को जाता है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 4 हवाई अड्डे बने हैं, पहले बात करते हैं कि रिसेंट कौन से हवाई अड्डा बना। 9 दिसंबर 2018 को केरल में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, यानी चौथा जो हवाई अड्डा बना है वो कन्नूर हवाई अड्डा बना है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर और 3 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो इसके अलावा जो हवाई अड्डे केरल में है वो है, तीसरे नंबर पे जो है वो तिरुवनंतपुरम कह सकते हैं, दूसरे नंबर पे जो है वो कोची है और पहले नंबर पे जो है वो कोझिकोड है। ठीक है, यानी कि 4 हवाई अड्डे के नाम में एक बार रिपीट कर दूं, अभी जो रिसेंटली बना है वो है कन्नूर, इसके पहले तिरुवनंतपुरम, कोची और कोझिकोड, इसके पहले हवाई अड्डा रह चुका है कहां? केरल में। अब जब बात आई है केरल की, तो जब भी स्टेट की बात आती है मैं हमेशा पूछता हूं आपसे, फिर पूछ रहा हूं उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है और केरल की राजधानी कौन सी है। वेरी गुड, केरल की चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, यानी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर यानी राज्यपाल है पी सत्यशिवम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, बात आई है केरल की, तो इससे एक जीके का प्रश्न आपको टच करवाता हूं मैं कि शांत घाटी कहां पे है। शांत घाटी कहां पे दोस्तों? शांत घाटी है केरल में। और फूलों की घाटी कहां पे? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होती है। इसके अलावा पूरे देश में हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? तो 2011 के सेंसस के अनुसार 93.9% साक्षरता दर है केरल में और ये सबसे ज्यादा साक्षरता दर है पूरे देश की। प्रश्न है कि हर वर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, कि हर वर्ष ह्यूमन राइट डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है हर वर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई? ह्यूमन राइट 1948 को ह्यूमन राइट डे मनाने की शुरुआत हुई थी। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा के रूप में अपनाया था। इसके अलावा 2018 को कितने ईयर के रूप में मनाया गया? तो 70th जो है ईयर के रूप में मनाया गया मानवाधिकार दिवस का। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये 2018 का जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसका विषय क्या था, यानी थीम क्या था? इसका विषय था स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स, इज द थीम ऑफ 2018 ह्यूमन राइट डे। इसके अलावा जब भी कभी आती है किसी डेट की बात, मैं आपको हमेशा रिवाइज करवाता हूं।
आपको अभी तक याद हो गया होगा, अगर याद हो गया तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो फिर से रिपीट कीजिए। जब तक आपको याद नहीं हो जाता मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पहला कि 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन दिवस के रूप में। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को 2 दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, इसके अलावा विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को बीजेपी सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सुशासन दिवस की, इसके अलावा 28 दिसंबर को मनाते हैं कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में। इस प्रकार के पूरा दिसंबर मंथ कंप्लीट हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण, कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर ये आयोजित किया जाएगा पुणे में, आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण। डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर आखिर में ये आयोजित किया कब जाएगा? जनवरी 2019 में इसे आयोजित किया जाएगा। इसमें कॉलेज और जो विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्र जो है इसमें प्रतिभागिता कर पाएंगे। इसके अलावा टेनिस और टेबल टेनिस के खेल भी इस संस्करण में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि ये दूसरा संस्करण है, तो पहला संस्करण कब हुआ? खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण जो है वो जनवरी 2018 में हुआ था। कहां आयोजित किया गया था? दिल्ली में किया गया था। और दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा कहां पे? पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो बता दूं कि खेलो इंडिया गेम्स जो है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि आखिर में ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है कि एवीएंद्रा 2018 जो है भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कौन सा? एवीएंद्रा, ठीक है, याद रखिए किस देश के बीच का संयुक्त अभ्यास है। तो ये भारत और किस देश का? भारत और रूस के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारतीय वायुसेना और रूस संघ जो एरोस्पेस है फोर्स द्वारा जो है उसे आयोजित की जाती है। इसके अलावा ये आयोजित की कहां जाएगी 2018 वाले? ये आयोजित किया जाएगी राजस्थान के जोधपुर में। इसके अलावा पहला जो है एवीएंद्रा अभ्यास 2014 में आयोजित किया गया था। अब आखिर में इसे आयोजित किया क्यों जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान को बढ़ाने के लिए इसे आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक और अभ्यास जो है वो हो रही है। आपको बताना है कि एवी जो इंद्र नौसेना अभ्यास जो है 2018 किन देश के बीच में हुआ? तो ये भारतीय नौसेना और रूसी संघ नेता के बीच में जो है ये आयोजित किया गया इंद्र नौसेना 2018 युद्ध अभ्यास। और ये कहां पे हुआ? ये हुआ विशाखापट्टनम में। तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। प्रश्न है कि हाल ही में मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर, ये खिताब जीत लिया है प्रथमेश मैंगलोंकर ने, ठीक है, मोगलिंकर ने जीत लिया है इस अवार्ड को। कौन सा अवार्ड? मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018। पहले मैं पिक्चर में पहले दिखाता हूँ, ये है प्रथमेश मोगलिंकर और इन्होंने ही जीत लिया यह पुरस्कार। अब ये पुरस्कार हुआ कहाँ पे था, ये आयोजित कहाँ पे किया गया था, ये बताइए। ये आयोजित किया गया था भारत के गोवा में। इसके अलावा कब यह आयोजित किया गया था? तो 9 दिसंबर 2018 में। इसमें जो है पहले एशियाई यानी पहले भारतीय के रूप में जो चयनित किए गए हैं वो है प्रथमेश मंगलिंकर। पहले स्थान पे आया है भारत, दूसरे स्थान पे पोलैंड और तीसरा स्थान जो है वो ब्राजील का रहा है। इसके अलावा ये तीसरा संस्करण है मिस्टर सुपरनेशनल का। इसके अलावा पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला हुआ था ये कहाँ पे आयोजित किया गया था माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आयोजित कहाँ पे किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था पोलैंड में। प्रश्न है कि भारत के किस तट के निकट अपना पहला अंतरजलीय संग्रहालय पाने की तैयारी में है? मतलब आपको बताना है उस जगह का नाम जहां पे भारत की पहली अंतरजलीय संग्रहालय जो है वो बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है कहां पे? पुडुचेरी में बनाई जा रही है मार्च 2018 में। आपको पता है कि INS तो कुडालोर है, इनको हटा दिया गया था और अब वो एक संग्रहालय के रूप में बदलने जा रही है। माइन स्वीपर को पुडुचेरी के तट में से 7 किलोमीटर दूरी पर तैनात किया जाएगा। इस जहाज में जो है स्कूबा ड्राइविंग और बाकी जो स्नैकलिंग है ये सारी चीजों के जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और इस समुद्री जैव विविधता और मछली पकड़ने के उद्योग में भी इससे सुधार आएगा। और यह कहाँ पे की जा रही है? कही जा रही है पुडुचेरी में। प्रश्न की हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला कौन सा बन गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हाल ही में सी योमी जो है वो अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला बन गया है। कब ये बना है? 9 दिसंबर 2018 को सी योमी अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला बना है। और यह नई जिला जो है पश्चिमी सियांग जिले से बना है, मतलब पश्चिमी सियांग जिले से अलग होके सी योमी जो है वो नया जिला बना है। 29 अगस्त 2018 को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 नए जिले के निर्माण के लिए बिल पारित किया था। पक्के केसांग,
लेपा रादा और सी योमी, ये तीन जो है नए जिले बनाए गए थे कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा जब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो जब भी किसी स्टेट की बात आती है तो मैं जैसे आपसे पूछता हूँ चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है और उसकी राजधानी कौन सी है। तो वेरी गुड दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है प्रेमा खंडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल है बी डी मिश्रा जी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके अलावा मैकमोहन लाइन जो है इसी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है जो अरुणाचल भारत को चाइना से अलग करती है। इसके अलावा नामदा पारा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अगर प्रश्न पूछा जाए, ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा कौन सी नदियां बहती है, तो यहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हाल ही में सेबी ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो हाल ही में सेबी के द्वारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर इनोवेट ग्रोथ प्लेटफॉर्म रख दिया गया है। अब सेबी ने इसे ई कॉमर्स साथ में डेटा एनालिटिक्स और बायो जो है टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इसे किया है। अब इसे किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फाउंडेशन कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस प्रश्न के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 दिया गया, तो सही उत्तर दोस्तों हाल ही में आंख जो पुस्तक है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 दिया गया। इसके अलावा आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आपको बताना है कि ऑप काउंसिल द चैलेंज ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है, आपको उनका नाम बताना है। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।